की सुरक्षा कड़ी की गई है। एक तरफ जहां अयोध्या विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित हो गया है, वहीं दूसरी ओर दीपा उत्सव का कार्यक्रम भी नजदीकी आता जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा किसी तरह की चूक ना हो, सरकार इसका ध्यान रखते हुए फोर्स की तैनाती कर रही है। अयोध्या हमेशा आतंकियों की हिट लिस्ट में रहा है। आज सीओ सिटी के नेटवर्क में पुलिस बल ने सड़कों पर रूट मार्च निकाला। यह रूट मार्च रीगा बंगा चौराहे से हासून कटरा पर निकाला गया। वहीं रूट मार्च में मिश्रित आबादी में निकाला गया, आवाम को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं आने वाले त्योहारों में दीपा उत्सव, चहलुम व कार्तिक मेले को लेकर अयोध्या पुलिस हाई अलर्ट दी गई। PSP व सिविल लाइन्स ने रूट मार्च निकाला। गोरखपुर में आतंकी इनपुट को लेकर भी अयोध्या और अलर्ट हो गई है। ये शहर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैनात है। हम लोग सब लोग इसके लिए तत्पर हैं। पूरी हमारे साथ एक कंपनी PSE है। हम इस कंपनी PSE को लेकर रूट मार्च कर रहे हैं, जो हमारे मिश्रित आबादी क्षेत्र हैं, सेंसिटिव प्लेसेस हैं। हम लोग उन सबको कवर कर रहे हैं। लगभग हर गली हर मोहल्ले हमारे क्षेत्र में मेरे द्वारा कवर किए जाएंगे। आगे हमारे सामने चेहल्लुम, दीपोत्सव तथा अन्य कार्यक्रमों की संपन्न कराना है, तो उसके लिए जनता में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जैसे पूर्व में करते आए हैं, वैसे इस बार भी हम कर रहे हैं। अयोध्या बहुत संवेदनशील एरिया है, इसमें क्या उसका कहाँ चेकिंग हुई, कहाँ क्या है? अयोध्या में ये हमारा कोतवाली नगर कंट क्षेत्र है जो मेरे पास है। इसमें प्रॉपर हम लोग अपने जो चिन्हित स्पॉट्स हैं उस जगह पर चेकिंग भी बराबर कर रहे हैं, और सभी जगह पे हम लोग भ्रमणशील भी हैं। लोगों से क्या अपील करना है? लोगों से अपील है कि कोई भी अफवाह पे विशेष ध्यान ना दें, और किसी भी चीज़ के लिए प्रशासन का वर्जन जब तक ना आ जाए उस पर भरोसा ना करें। तो प्रशासन में हम लोग तत्काल उसमें कोई भी बात होती है तो मीडिया को बाइट देंगे और उसके हिसाब से ही उसका वर्जन चलाया जाए। कई